सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों को गेमोलॉजिकल ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त दीप। और थंबनेल देख के तो आपको आज पता चल ही गया होगा कि आज के वीडियो में मैं दो दो अपडेट लेके आया हूं दोस्तों। तो दो दो अपडेट्स में से है, एक तो है ये जो नया मैप आने वाला है कालाहारी का, कालाहारी यानी कि जो डिजर्ट होता है कालाहारी, उसका मैप आने वाला है। और एक जो है दिसंबर का एलिट पास। जी हाँ दोस्तों, दिसंबर का एलिट पास और कालाहारी मैप, तो ये दोनों के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में जान लेंगे। तो चलिए दोस्तों, फटाफट बिना टाइम गवाए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेती है नया वाला मैप की। नया मैप जो आने वाला है कालाहारी डेजर्ट का, कालाहारी जो डेजर्ट है उसका नया मैप आने वाला है दोस्तों। तो इसका इमेजेस तो लगभग हर यूट्यूब चैनल पे लीक हो चुका है दोस्तों। और ये लीक इमेजेस, मतलब मैं तो चाहता नहीं था कि लीक इमेजेस लेके कोई वीडियो बनाऊँ, लेकिन सबका चैनल आगे बढ़ रहा है दोस्तों लीक इमेजेस की वजह से। तो मैंने सोचा कि मेरे चैनल पर भी डाल दूँ। यार क्या बात है, सब लोग दे रहा है तो कालाहारी डेजर्ट का मैप का इमेजेस तो मैं भी थोड़ा सा दे दूँ। तो इस जगह का नाम होने वाला है मिलिट्री बेस, जैसे कि हम लोग का क्लॉक टावर ये सब होता है। तो इस जगह का नाम होने वाला है मिलिट्री बेस। तो मिलिट्री बेस का ये जो जगह है, तो हमको अभी तक तो कोई वीडियो आया नहीं इंटरनेट में। एडवांस सर्वर आएगा उसके बाद ही शायद ये वीडियो आएगा। एडवांस सर्वर में तो मैं रजिस्टर कर चुका हूँ दोस्तों। जैसे ही मुझे एडवांस सर्वर मिल जाता, मैं आप लोगों के लिए ये नया मैप जो है, नया मैप का वीडियो लेके आ जाऊँगा दोस्तों एकदम। और अगर आप तक आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही जल्द मुझे एडवांस सर्वर मिल जाएगा। तो एडवांस सर्वर मिलने से ही मैं नया मैप का वीडियो डाल दूंगा। और आपको अगर देखना है वो वीडियो नया मैप कैसा होगा, मुझे तो अभी से बेचैनी हो रहा है यार, कब मिलेगा मुझे ये नया मैप वाला वीडियो। और मैं अपने चैनल पर डालूंगा और खेलूंगा इसके साथ, नया मैप में कैसा आया ये देखने के लिए मुझे बहुत ही बेचैनी हो रहा है। शायद आप लोगों को भी हो रहा होगा। तो अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एक। और इसके बाद भी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को दिसंबर में क्या एलिट पास आने वाला है दोस्तों। ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छा अच्छा लोकेशन दिया गया है यहाँ पे नया मैप में। और भी बहुत सारा कई इमेजेस है, मैं उस पर अभी फोकस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इमेजेस में मुझे ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट तो है नहीं। मुझे इंटरेस्ट है नया मैप में। नया मैप कब आएगा इसके लिए मुझे बहुत ही बेचैनी हो रहा है दोस्तों, और शायद आप लोगों को भी हो रहा होगा। देखते हैं एडवांस सर्वर कब देते हैं। एडवांस सर्वर मिलते ही मुझे नया मैप का वीडियो मिल जाएगा, मैं चैनल पर डाल दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं दिसंबर के एलिट पास के तरफ में। दिसंबर के एलिट पास में क्या क्या आने वाला है चीज़, मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा दूँ, क्योंकि दिसंबर का एलिट पास जो है वो बहुत ही नज़दीक आ चुका है दोस्तों। अब ज़्यादा दिन देर नहीं है ये नवंबर वाला एलिट पास ख़त्म होने के लिए। मैंने तो इस महीने का एलिट पास लेके नहीं रखा था, तो दिसंबर में ज़रूर लूँगा मैं एलिट पास, क्योंकि इस महीने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला था। तो अब चलते हैं दिसंबर के एलिट पास की तरफ, देख लेते हैं क्या है क्या है और क्या क्या नहीं है। इस बार का एलिट पास मुझे बहुत कुछ खास तो लगा नहीं, लेकिन फिर भी एक बार आप लोगों को दिखा देते हैं। तो आ चुके हैं हम लोग एलिट पास के ये ट्रेलर के ऊपर में, आप लोग देख सकते हैं ट्रेलर। लगभग ये भी हर चैनल में ही आ चुका है दोस्तों, बहुत सारा चैनल में ये मैंने ये देखा। ये भी लीकेज है, लीक का वीडियो निकल गया है, एलिट पास का लीक वीडियो। तो ये भी मतलब हर चैनल पे ही लगभग आ चुका है, लेकिन फिर भी मैंने डाल दिया। मेरे चैनल पर भी कैसा आ रहा है ये एक बार देख लेते हैं। और मेन जो बात है, एलिट पास जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है दोस्तों। तो जैसा कि कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ, मतलब कुछ महीनों से देख रहा हूँ, एलिट पास पहले जैसा नहीं हो रहा है ना। पहले जितना रॉयल एलिट पास आता था हम लोगों के पास, मतलब जितना अच्छा आता था, उतना अच्छा तो आ नहीं रहा है। क्या बात है पता नहीं, गरेना को शायद एलिट पास के ऊपर ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं रहा। लेकिन हम लोग डायमंड खर्चा करके लेते हैं, तो एक्सपेक्ट तो ये कर ही सकते हैं ना कि हम लोगों को अच्छा वाला सब कुछ मिले। इस बार का एलिट पास में ज़्यादा कुछ भी अच्छा नहीं है, पहले की तरह सब कुछ है। जो बेसिक एक पैराशूट दे दिया, मतलब डायमंड रॉयल भाउचर दे दिया, वेपन रॉयल भाउचर दे दिया, ये सब में हम लोगों को इंटरेस्ट नहीं है। हम लोगों को जो इंटरेस्ट होता है, अच्छा बंडल और अच्छा डैमेज रेशियो वाला गन ये सब मिले, तब ना हम लोगों को मतलब एलिट पास खरीदने के बाद में हम लोगों को सुकून मिलेगा कि हाँ भाई डायमंड खर्चा करके लिए है, तो अच्छा चीज़ लिए है, अच्छा लग रहा है हम लोगों को। बंडल देखिए हम लोगों को, मुझे तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है ऐसा वाला बंडल। इसमें कोई मतलब मैं तो फ्री में भी ना लूँ ऐसा बंडल ये जो दिख रहा है ना।
ये मतलब फ्री में भी नहीं लेना है यार, मेरे को फ्री में मतलब अगर 10 डायमंड 20 डायमंड में भी दे देगा तो मुझे लेना नहीं है, ऐसा वाला मंडी ला रहा है एलिट पास में। अरे क्या बताऊँ यार, गरीना को शायद एलिट पास के ऊपर इंटरेस्ट चला गया है, लेकिन गरीना का जो मेन इंटरेस्ट मतलब मेन जो प्राइस बनता है वो तो एलिट पास के ऊपर ही बनता है, क्योंकि आदमी डायमंड खर्चा करके टॉप अप करे या ना करे, आदमी मतलब कोई मंडी एक्स्ट्रा डायमंड खर्चा करके ले या ना ले, लेकिन एलिट पास लगभग हर आदमी लेता है ना, ज़्यादातर आदमी एलिट पास लेता है। एलिट पास में इस बार का एलिट पास में ये चीज़ खाली मुझे नया लगा, और स्केटबोर्ड जो है वो नया लगा। ये देखिए ये मतलब इमोट जो है थोड़ा सा फनी सा है, लेकिन जो भी हो नया है, और ये नया चीज़ देखने में मज़ा आता है दोस्तों, है ना। और ये जो टी शर्ट वी-शर्ट है इसमें तो बिल्कुल भी मतलब इंटरेस्ट नहीं आता है यहाँ। ये क्या है पता नहीं, ये जो शोर्ट टाइप का दिख रहा है ये शायद कोई स्केटबोर्ड होगा या फिर वो मतलब शोर्ट होगा, ये जो है ना ये मुझे लगता है ये स्केटबोर्ड है ना, हो सकता है कि ये स्केटबोर्ड हो या फिर और कुछ तो लग नहीं रहा है, ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि ये स्केटबोर्ड ही है, 90% तक स्केटबोर्ड ही लग रहा है मुझे, शायद ये नया स्केटबोर्ड आ रहा है, लेकिन जो भी अच्छा रहा है अगर ये स्केटबोर्ड हुआ तो अच्छा लग रहा है मेरे हिसाब से, स्केटबोर्ड ही अच्छा है। और देख लेते हैं आगे आगे क्या क्या है, ये सब डायमंड रॉयल वाउचर और ये सब में हमको इंटरेस्ट नहीं रहता है। और ये जो मतलब डेड लूट बॉक्स होता है क्रेट, वो डेड लूट बॉक्स इस बार का मतलब हर बार की एलिट पास की तरह डेड लूट बॉक्स अच्छा है, क्योंकि डेड लूट बॉक्स हर बार चेंज कर देते हैं गरीना, और हर बार अलग अलग लेके आता है, तो ये थोड़ा सा मतलब कुछ दिनों से देख रहा हूँ डेड लूट बॉक्स अच्छा ही आ रहा है, लेकिन बंडल्स जो है बंडल्स उतना अच्छा नहीं आ रहा है, और बैकपैक्स भी मतलब उतना इंटरेस्टिंग नहीं आ रहा है। ये देखिए स्केटबोर्ड एक बार फिर से दे दिया गया, मतलब कोई मतलब नहीं बनता है, स्केटबोर्ड एक ठो दे रहा है फिर से एक ठो और स्केटबोर्ड दे रहा है, मतलब दो स्केटबोर्ड दे रहा है, कोई मतलब ही नहीं बनता है, इसके जगह पे कुछ और दे देता तो अच्छा रहता है ना, कोई डैमेज रेशियो वाला गन दे देता तो अच्छा रहता, लेकिन देता नहीं है गरीना डैमेज रेशियो वाला गन, खाली मतलब जो बंडल भी दे रहा है उसमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, और मुझे तो मतलब जो गन स्किन देता है उसमें मतलब कोई डैमेज रेशियो होता ही नहीं है, तो इंटरेस्ट रहेगा कैसे, खाली स्किन दे देने से तो बात नहीं बनता है ना, हम लोग डायमंड खर्चा करके ले रहे हैं तो कुछ तो प्रीमियम होना चाहिए हम लोगों के पास, है ना। तो अब देख लेते हैं, ये देखिए मतलब कोई काम का चीज़ नहीं दे रहा है बैकपैक, ऐसा वाला बैकपैक तो लगभग हर किसी के पास है, ये बैग लेके खेले आप चाहे नहीं खेले, इस बैग का कोई मतलब नहीं बनता, थोड़ा सा कुछ और दिखाते तब ना अच्छा लगता है ना, पिछले वाले कुछ एलिट पास में हमने देखा मतलब कुछ अच्छा अच्छा बैगेस लाए हैं, मतलब डिज़ाइन उसका मतलब अच्छा था है ना, लेकिन गरीना अभी एलिट पास के जगह पे मतलब कुछ कुछ ऐसा चीज़ दिखा रहा है, मतलब कोई मज़ा ही नहीं आ रहा है, उसके बदले में तो अच्छा अच्छा चीज़ आ रहा है इनक्यूबेटर में डायमंड रॉयल में, ये सब जगह पे अच्छा अच्छा चीज़ें आ रहा है हाँ। मुझे तो एलिट पास के बंडल से ज़्यादा अच्छा लग रहा है वो डायमंड रॉयल वाला बंडल या फिर इनक्यूबेटर वाला बंडल या मैजिक क्यूब वाला बंडल, ये सब जगह पे अच्छा लग रहा है मुझे। ये देखिए मतलब कोई मज़ा ही नहीं आ रहा है ना। तो जो भी हो जैसे भी हो गरीना अब ला रहा है तो हम लोग तो चेंजेस नहीं कर सकते ना इसको। तो वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा दोस्तों कमेंट पे, और अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे छोटा सा ये जो चैनल है मेरे इस छोटे से चैनल को प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट दे दीजिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आपका सपोर्ट ही सब कुछ है, आप थोड़ा सा सपोर्ट देंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मेरा चैनल को थोड़ा थोड़ा सा मैं आगे लेते जाऊँगा, और आगे मैं जाके और भी अच्छा अच्छा वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाऊँगा, और मेरे चैनल में बहुत जल्द गिव अवे आने वाला है दोस्तों, गिव अवे वाला वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो गिव अवे देख लीजिए, डायमंड का गिव अवे मैं करने वाला हूँ दोस्तों। और चलिए छोड़िए, वीडियो आज का इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।